जैन धर्मोस्तु मानम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्जायानम नमो लोए सवसाहूनम ऐसो पंच नमोकारो सव दोनों पे नमो कर्मपणासनो सब मंगलानं च सर्वेषु जी आप स्टार्ट कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र एवरीवन। मेरे महावीर प्रभु पर मात मात में वंदन करे मेरी आत्मा। मेरे महावीर प्रभु पर मात मात में वंदन करे मेरी आत्मा। गुरु भगवंतों की आज्ञा में नमस्कार करने के पश्चात स्वामी जी की आज्ञा से हम शुरू करते हैं आज का। इसमें एक मिनट विकास जी, आप वो स्क्रीन शेयर करने का करेंगे क्या? अलाउ विकास जी, स्क्रीन शेयर करने का अलाउ करेंगे क्या? हाँ एक मिनट में अलाउ करूँगा। हाँ कर सकते हैं आप। ओके थैंक यू। आज का हमारा टॉपिक था कि पांचवें आर्य में किन किन बातों का अभाव हो गया है। भगवान महावीर स्वामी के इस आर्य में, पांचवें आर्य में हम कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका अभी अभाव हो गया है। वो 10 ऐसी चीजें बताई गई हैं जिनका विच्छेद हो गया है। तो उनमें 10 में आता है केवल ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान, परमावधि ज्ञान, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय, यथाख्यात चरित्र, कुलाक लब्धि, अहारक शरीर, सायिक समकित्व और जिन कल्पी मुनि। तो अब हम इन सबका एक एक खुला करेंगे। तो इस तरह से बोले गया है कि चौथा आरा जब समाप्त होता है तो 21,000 वर्ष का दुखम नाम का पांचवा आरा प्रारंभ होता है। चौथे आर्य की अपेक्षा इस पांचवें आर्य में वर्ण, रस, गंध, स्पर्श आदि सूक्ष्म पुद्गल में बहुत ही कमी आती जाती है। शरीर की अवगाहना और सब चीजें धीरे धीरे कम हो जाती है। उसमें पांचवें आर्य में 10 बातों का विच्छेद हुआ है। तो सबसे पहले इसमें केवल ज्ञान आता है। तो वैसे ज्ञान 5 तरह के बताए गए हैं। 5 तरह के ज्ञान में मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान, ये तो हर शरीर में, हर इंसान में पाया जाता है। हर मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान हर इंसान में पाया जाता है। जबकि अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान और मन पर्यव ज्ञान उनको बाद में मिलता है। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है केवल ज्ञान, जिसमें समस्त लोक और अलोक के सभी द्रव्यों की, भूत भविष्य और वर्तमान काल की सारी सूक्ष्म से सूक्ष्म पर्याय या अवस्था को जब जान लिया जाता है तो वो मन पर्यव ज्ञान कहलाया जाता है। और मन पांचों ही ज्ञान में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान केवल ज्ञान होता है। जब एक बार केवल ज्ञान हो जाता है उत्पन्न, तो वापस उसका विनाश नहीं होता है। उसी की अपेक्षा से इस पांचवें आर्य में केवल ज्ञान को हमने का अभाव माना है इस आर्य में, क्योंकि पांचवें आर्य में केवल ज्ञान होने के बाद में मोक्ष नहीं जा सकते और केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद में मोक्ष जाता है इंसान। तो इस उसकी अपेक्षा से केवल ज्ञान का अभाव माना गया है। उसके बाद में मन पर्यव ज्ञान। तो मन पर्यव ज्ञान में ये बताया गया है, मन पर्यव ज्ञान तीसरा ज्ञान, चौथा ज्ञान कहा जाता है। ये अवधि ज्ञान से थोड़ा अधिक होता है। Can't hear. नहीं नहीं मैं अभी बोल रही हूँ, मन पर्यव ज्ञान एक मिनट में बता रही हूँ।
मन पर्यव ज्ञान जो होता है वो इसमें द्रव्य से रूपी द्रव्य को जानते हैं, क्षेत्र से इसमें क्या होता है, मन पर्यव ज्ञान में जिसको वो होता है वो द्रव्य से रूपी द्रव्य को जानता है, क्षेत्र से 1000 योजन नीची दिशा में और 900 योजन ऊंची दिशा में और 2.5 द्वीप में दिखता है ये, और काल से ये असंख्यात भाग होता है। भाव से सब संघी जीवों में मन के भावों को इसमें मन पर्यव ज्ञान में किसी के सामने वाले के मन के भावों को जान सकते हैं, सब संगी जीवों के मन के भावों को जान सकते हैं। मन पर्यव ज्ञान मनुष्य में, संगी मनुष्य में, कर्म भूमिज मनुष्य में, संख्यात वर्ष की आयु वाले पर्याप्त सम्यक दृष्टि, संयत अप्रमादी और लब्धि वाले मुनि को ही उत्पन्न होता है। और ये तीर्थंकरों में उत्पन्न होता है, जब तीर्थंकर अपना दीक्षा लेते हैं तो उनके बाद में तीर्थंकरों में 3 ज्ञान पहले से ही होते हैं, जन्म से होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। और उनकी दीक्षा लेते ही उन्हें मन पर्यव ज्ञान उनमें प्रकट हो जाता है, मन पर्यव ज्ञान। और मन पर्यव ज्ञान के प्रकट होने के बाद में वनों में उसके लिए वो साधना के लिए वनों में चले जाते हैं। जब तक उनको केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता है वे साधना करते हैं जंगल में वनों में जहां जाते हैं। सॉरी, कुछ बोला किसी ने? नहीं सर, सुरेश जी आप कंटिन्यू करें। ये सही हो रहा है ना? हाँ सही है, आपका आवाज थोड़ा तेज रखें, आवाज बीच बीच में धीरे हो रही है आवाज। अच्छा, एक सेकंड। तो मन पर्यव ज्ञान भी मन पर्यव ज्ञान होने के बाद में केवल ज्ञान के निकट होता है ये, तो इसका भी उसमें विच्छेद हो चुका है। पांचवें आर्य में इन बातों का अभाव हो चुका है, मन पर्यव ज्ञान का भी। और परम अवधि ज्ञान का विच्छेद तीसरा है, परम अवधि ज्ञान। तो परम अवधि ज्ञान क्या होता है कि जो अवधि ज्ञान, परम अवधि ज्ञान वह है जो जिसमें अगर 2.5 द्वीप में देखे तो 1 वर्ष की बात जानता है, जंबू द्वीप में देखने वाला इसमें जम्बूद्वीप को देखने वाला 1 महीने की बात जानता है। और परम अवधि ज्ञान उपस्था है तो वो मनुष्य लोकालोक को देखता है और अंतर मुहूर्त में उसके बाद में परम अवधि ज्ञान के बाद के अंतर मुहूर्त के बाद ही उसे केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। और अलोक में अवधि ज्ञान के देखने योग्य कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ अवधि ज्ञान ही होता है। इसीलिए अवधि ज्ञान को भी इसमें 5 में के 10 बोलों में हमने अवधि ज्ञान के अभाव माना है, क्योंकि अवधि ज्ञान, एक मिनट विकास जी आप इसको एक सही से समझाएंगे क्या एक बार, परम अवधि ज्ञान? हाँ, तो ये अपना जैसे अभी बताया स्मिता जी ने कि पांचवे आर्य में द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जो परिवर्तन होता है उसके फल स्वरूप जो है ये पहले 5 ज्ञान में से जो लास्ट के 3 ज्ञान है उनमें विच्छेद हो जाता है इस पांचवे आर्य में। तो केवल ज्ञान और मन पर्याप्त ज्ञान तो स्मिता जी ने बता दिया, परम अवधि ज्ञान वो है जहाँ पे अवधि ज्ञान की पराकाष्ठा में पहुंचने पर जीव केवल ज्ञान को टच करने वाला होता है, वो ज्ञान परम अवधि ज्ञान पे कहलाता है। और इसलिए ये विच्छेद हो गया पांचवे आर्य में, क्योंकि केवल ज्ञान मतलब परम अवधि ज्ञान होने के बाद केवल ज्ञान होना जरूरी है, तो जब केवल ज्ञान विच्छेद हो गया है पांचवे आर्य में तो परम अवधि ज्ञान भी विच्छेद हो गया। उसके बाद में है परिहार विशुद्ध चारित्र। तो इसमें ये होता है कि चारित्र 5 प्रकार का बताया गया है, चारित्र यानी कि संयम, संयम के जो प्रकार है वो 5 तरह के बताए गए हैं। तो उसमें उनके नाम होते हैं सामायिक चारित्र। आपका तो आवाज ठीक नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है क्या मेरा आवाज? एक मिनट। हाँ अभी आ रहा है, एक सेकंड। एक्चुअली ये परिहार विशुद्धि है, चारित्र में आते हैं, चारित्र यानी कि संयम। और ये चारित्र 5 प्रकार के होते हैं, सामायिक चारित्र, छेदोस्थापनीय चारित्र, परिहार विशुद्ध चारित्र, सूक्ष्म संपराय चारित्र और यथाख्या चारित्र। तो इनमें से क्या होता है कि पहले 2 तो इस आर्य में है, सामायिक चारित्र और छेदोस्थापनीय चारित्र, जिसमें सामायिक चारित्रता का कुछ भाग है। लेकिन परिहार विशुद्ध चारित्र उसको कहते हैं जिसमें ये एक तरह की वो होती है, प्रक्रिया होती है, बहुत ही इसमें 9 साधु मिलके एक तप करते हैं,
परिहार विशुद्ध चरित्र में, जिसमें चार साधु तो तप करते हैं और चार साधु उनकी सेवा में रहते हैं, तो जो शेष एक होता है आठ हो जाते हैं, और जो एक शेष बचता है वो उनकी उनको उनका गुरु बन जाता है, मतलब उनको वाचना करता है, उनके साधु सब लोग उनको वंदना करते हैं, उनसे प्रत्याख्यान लेते हैं और आलोचना करते हैं। तो इस तरह से छह महीने तक ये लोग साधना करते हैं, जिसमें ये जगन्य उपवास बेला और उत्कृष्ट तेला तप करते हैं चार साधु लोग उसमें, और चार उनकी सेवा में लगे रहते हैं। और शिशिर का सर्दी की ऋतु में वो लोग बेला तेला या चोला करते हैं, और वर्षा की ऋतु में ये लोग तेला चोला या पंचोला, तेला यानी तीन उपवास, चोला यानी चार उपवास, और पंचोला यानी कि पांच उपवास करते हैं। और इन सबके पारने में ये लोग चार जो मुनि होते हैं वो अम्बिल करते हैं, और जो पांच मुनि होते हैं उनका तप का नियम नहीं होता है कि उनको कोई तप करना पड़ता है, लेकिन उनका वो नित्य भोजी भी होते हैं कि रोज भोजन कर सकते हैं, लेकिन उनका भोजन भी अम्बिल की तरह ही होता है, बिना वो रस से निरस भोजन ही होता है उनका, दूध दही घी तेल चिकनाहट उन सब से रहित होता है उन सबका भोजन। उसके बाद में जो साधु चार उनकी सेवा में रहते हैं, वे छह महीने के बाद में ये क्रम चेंज कर देते हैं, तो चार साधु तो जो सेवा में रहते हैं वो तप करना लग जाते हैं, और जो तप करते थे वो उनकी सेवा में लगते हैं, और जो मुनि उनको प्रत्याख्यान देता था जिनके सामने वो लोग आलोचना करते हैं तो वो वही करते हैं उसी उसमें भी। इसी तरह उनका उनका भी वापस वही तेला चोला पंचोला वर्षा काल में और सर्दी की ऋतु में और ग्रीष्म की ऋतु में अलग अलग उनका चलता है। उसके बाद छह महीने होने के बाद में जो एक गुरु बनते हैं उनमें, वो वापस तप करते हैं यही वादा बेले तेले चोले का और छह महीने का, और बाकी आठों शिष्य उनकी सेवा में लगते हैं। तो इस तरह से एक बहुत कठिन साधना का चरित्र होता है, कठिन साधना करते हैं, और ये 18 मास में पूरी पूर्ण होती है। पूर्ण होने के बाद ये सब लोग वापस या तो इसी साधना को प्रारंभ करते हैं या फिर जिनकल्पी मुनि बन जाते हैं। तो इसलिए इसका ऐसी साधना अभी नहीं हो सकती है, तो इसका भी इस पांचवें आर्य में इस चरित्र का इसमें विच्छेद हो चुका है, पांचवें आर्य में इसका अभाव हो चुका है, इसे परिहार विशुद्ध चरित्र बोलते हैं। उसके बाद में है सूक्ष्म संप्राय चरित्र। सूक्ष्म संप्राय चरित्र में क्या होता है कि इसमें बहुत ही ये अवस्था भी केवल ज्ञान के बहुत पास में होती है। इस चरित्र में जिस भी मनुष्य को ये चरित्र उत्पन्न होते हैं तो उसमें, या मुनि को उत्पन्न होता है ये चरित्र, तो उसमें उनको बहुत ही कम संजलन लोभ उनका बाकी रहता है, उसकी अंतर्मोहरत की अवस्था होती है संजलन लोभ की, वो संजलन लोभ उनका शेष रहता है कर्मों के हिसाब से, उनके मोहिनी कर्म का सिर्फ संजलन लोभ रहता है, और उसका क्षय होते ही उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो इतना अभी इस आर्य में संभव नहीं है, तो इसका भी इसमें विच्छेद हो चुका है, उसे सूक्ष्म संप्राय कहते हैं कि उनके थोड़े से ही कर्म बाकी रहे, इसीलिए उसे सूक्ष्म संप्राय बोलते हैं। और यथाख्यात चरित्र, यथाख्यात चरित्र में होता है कि इसमें बिल्कुल ही इस चरित्र में किसी भी प्रकार का उनको दोष नहीं होता है, उन्होंने सारे कर्मों का क्षय पूर्ण रूप से कर दिया होता है, और जिनेश्वर भी उनके साथ प्रशंसा करते हैं। ये सर्वोच्च चरित्र होता है यथाख्यात चरित्र, और इसके बाद इसीलिए इसमें इसके जस्ट बाद उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो वो भी इस पांचवें आर्य में इस यथाख्यात चरित्र का भी अभाव हो चुका है। अब आता है पुलाक लब्धि। स्मिता जी, तो जस्ट मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। अपने अपन अपनी 25 बोल कर रहे हैं, तो 25 बोल का जो आखिरी बोल है 25वां बोल, उसमें आएगा चारित्र पांच, ठीक है। तो जैसे अभी स्मिता जी ने पांच चारित्र के नाम बताए, सामयिक चरित, छेदोपसमन चरित, परिहार विशुद्धि चरित, सूक्ष्म संप्राय चरित और यथाख्यात चरित। तो ये पांच चरित्र जो है वो संयम का पालन कैसे होता है वो दर्शाया गया है। जैसे अभी अपन सामयिक करते हैं वो एक संयम है, छेदोपस्थापने भी एक तरह का संयम पालन है, जिसमें थोड़ा लंबे समय का संयम पालन होता है, और बाकी जो तीन चारित्र हैं उसमें जो संयम का पालन होता है वो बड़ा कठोर बड़ा कठिन डगर रहती है उसकी, मतलब उसमें जो प्रकरण बताया अभी स्मिता जी ने उसके हिसाब से उसमें तपस्या होती है, और वो चारित्र आने के बाद वापस जाता नहीं है, मोक्ष निश्चित रहता है उसके बाद। तो जैसे केवल ज्ञान और मोक्ष इन
पांचवे आर्य में विच्छेद है, उसी तरीके से ये तीन चारित्र का पालन करना इस आर्य में बहुत कठिन है और लगभग असंभव है, इसके लिए इन तीन चारित्र का विच्छेद हो गया। मतलब विच्छेद हो गया इसका मतलब ये है कि इन तीन चारित्रों का पालन अति दुर्लभ है इस आर्य के अंदर। आपको पता चला सबको ये? अब इसके बाद में है हमारा सेवेंथ नंबर है पुलाक लब्धि। तो ये निर्ग्रंथ होते हैं, निर्ग्रंथ यानी कि जिन्होंने राग द्वेष की गांठ या ममता की ग्रंथि का छेद कर दिया है। ममता यानी कि उनको किसी पे ममत्व भाव और नहीं, और वीतराग की पदवी प्राप्त कर ली होती है। तो चौथे आर्य में भी पांच तरह के निर्ग्रंथ होते थे, उनमें एक पुलाक लब्धि, एक निर्ग्रंथ होते थे पुलाक नाम के, जिनमें पुलाक लब्धि पाई जाती थी। तो ये पुलाक लब्धि बहुत ही ऊंची साधना करने पे, उस टाइम में भी ये बहुत ऊंची साधना और बल से पुलाक लब्धि उत्पन्न होती थी, और उस लब्धि को कठोर स्मिता इसको है ना स्लाइड शो को है ना इस कप पे लेके आ जा, तो पूरा अच्छे से दिखेगा ना, तो सबको पॉइंट्स एकदम पूरा अच्छे से दिखेगा। जी, ये जो नीचे कप दिया ना, कप पे स्लाइड शो करेगी ना, तो शो हो जाएगा, तो पूरा बड़ा दिखेगा, है ना। थैंक यू जी, थैंक यू, सॉरी डिस्टर्ब के लिए। पुलाक लब्धि बहुत ही साधना से प्राप्त करते हैं मुनि, और फिर इस पुलाक लब्धि में कभी कभी क्या होता है कि जब ये लोग कठोर तप करते हैं तो इनको बहुत सारे परिसे मिलते हैं, आते हैं कुछ अलग अलग। तो वैसे तो मुनि भगवान इस लब्धियों का उपयोग करना उनको कलपता नहीं है, वो नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि संघ पर कोई उत्पत्ति आती है तो उसका कोई निवारण नहीं जानकर पुलाक निर्ग्रंथ अपनी विशेष लब्धि से इनका निवारण करते हैं। इनकी स्थिति मात्र वो अपनी लब्धियों का उपयोग करके अपने संघ की रक्षा करते हैं। इनकी स्थिति तो अंतर मुहूर्त की होती है, लेकिन इतने अल्प समय में सिर्फ अपनी लब्धि को उपयोग करने में ही वो अपने चारित्र को, जो उनका संयम का जो होता है वो, उसको पूरा निस्सार बना देते हैं। इसीलिए इसको पुलाक लब्धि बोला जाता है, क्योंकि पुलाक यानी कि सार रहित, उनमें उनका पूरा चरित्र चला जाता है। लेकिन क्या होता है कि पुलाक में मूल और उत्तर गुणों का विराधक होता है, लेकिन वो मुनि वापस अगर संभल जाते हैं और उसका प्रायश्चित कर लेते हैं, भाव संयम की स्थिति तो प्राप्त करके आलोचना और प्रायश्चित करके वापस आराधक भी बन जाते हैं। तो ये सिर्फ असर्पणी काल में तीसरे और चौथे आर्य में ही होते हैं, अभी पांचवे आर्य में नहीं होते, ये पहले दूसरे आर्य में भी नहीं होते, ये सिर्फ असर्पणी काल के तीसरे और चौथे आर्य में रहते हैं। इसीलिए इस लब्धि को भी सिर्फ इस लब्धि का भी इस पांचवे आर्य में अभाव हो चुका है, पुलाक लब्धि का। उसके बाद में है अहरक शरीर। अहरक शरीर के बारे में तो हमने अभी जस्ट 25 बोल में पढ़ाई था कि शरीर पांच प्रकार के होते हैं। उसमें पहला शरीर हमारा होता है औदारिक शरीर। औदारिक शरीर क्या होता है कि मनुष्य और तिर्यंच को हार्ड मांस और चमड़ी का जो पुतला रूप मिलता है वो उनका औदारिक शरीर होता है। दूसरा होता है वैक्रिय शरीर। तो वैक्रिय शरीर एक अनेक छोटे बड़े नाना रूप धारण कर सकने वाले देवता और नारकी के शरीर को मिलता है, तो उनको तो ये जन्म से मिलता है, लेकिन मनुष्य और तिर्यंच को ये लब्धि के द्वारा प्राप्त होता है, वो वैक्रिय शरीर कहलाता है। तेजस शरीर जो होता है वो हमारे शरीर में रहकर आहार को पचाने वाला होता है, और ये सदा सभी संसार के प्राणियों को ये तेजस शरीर मिलता है। कर्मज शरीर कर्मों का समुदाय रूप होता है, जो हमारी आत्मा के साथ कर्मों के साथ लगा, आत्मा के साथ कर्म के रूप में लगा होता है, ये भी सभी संसारी जीवों को मिलता है, तो वो कर्मिन शरीर कहलाता है। अभी इस पांचवें आर्य में ये चार शरीर तो है, लेकिन अहारक शरीर का भी अभाव है। तो आहारक शरीर कहते हैं किसको है कि आहारक शरीर 14 पूर्वी धारक, जो 14 पूर्वों के ज्ञाता होते हैं धारक लब्धिवान मुनि होते हैं, उन्हीं को प्राप्त होता है। जब इन मुनि को कोई गहन विषय में संदेह होता है कि उनको कोई अर्थ समझ में नहीं आया, या कुछ उनको संदेह शंका होती है, तो उसका समाधान करने के लिए औदारिक शरीर से वे अन्य क्षेत्र या जहाँ पर भगवान विराजित है, सर्वत्र भगवान उस समय के जो भी तीर्थंकर वगैरह हैं, तो उनके पास जाना उनका संभव नहीं होता है, तो वह मुनि आहारक लब्धि का प्रयोग करते हैं और उस लब्धि से एक हाथ का छोटा सा स्फुटिक शरीर बनाकर, और शुक्र पुद्गलों से बना हुआ, यह बहुत सूक्ष्म होने के कारण इसे कोई रोक नहीं सकता है, कोई देख नहीं सकता है, और किसी के रोके रुकता नहीं, इस शरीर से वे मुनि के पास जाकर अपने संदेह का निवारण करते हैं, और उसके बाद ये शरीर बिखर जाता है। यह सब कार्य भी एक अंतर मुहूर्त में हो जाता है, अंतर मुहूर्त यानी कि 48 मिनट्स के अंदर अंदर हो जाता है,
और अंत में लब्धि का प्रयोग करने के लिए, इसमें भी जो भी लब्धि मुनि वैसे प्रयोग करते नहीं है, अगर जब भी वो किसी भी लब्धि का प्रयोग करते तो उनको उसके बाद में प्रायश्चित लेना होता है, तो इस लब्धि का प्रयोग करने के बाद में उनको प्रायश्चित लेना होता है। तो ये लब्धि भी पांचवे आर्य में ही थी, अच्छा नहीं सॉरी मैं छठे दुख ये लब्धि भी चौथे आर्य में ही थी। इस पांचवे आर्य में इस लब्धि का भी अभी विच्छेद हो चुका है। उसके बाद में आता है हमारे शायिक सम्यक्त्व। तो अब जैसा कि बताया गया है समकित भी पांच प्रकार का होता है। समकित कहते हैं धर्म में दृढ़ श्रद्धा होना सम्यक्त्व कहलाता है। तो ये समकित भी पांच प्रकार का होता है, उसमें ये कहलाता है उपशम सम्यक्त्व, सास्वादन सम्यक्त्व, शायोपशमिक सम्यक्त्व, वेदक सम्यक्त्व और शायिक सम्यक्त्व। तो शायिक सम्यक्त्व प्राप्त होने के बाद में केवल ज्ञान के वह बहुत निकट होने के कारण इस संकेत का भी अभी अभाव, इस पांचवे आर्य में इसका भी अभाव हो चुका है। क्योंकि उपशम संकेत क्या होता है कि किसी का धर्म में मन लगना, धर्म की ओर किसी का मन लगना उपशम संकेत कहलाता है। इसकी स्थिति सिर्फ अंतर मुहूर्त की होती है और अंतर मुहूर्त के पश्चात यह सम्यक्त्व तो नष्ट हो जाता है और जीव जब उपशम संकेत से गिरकर और मिथ्यात्व की ओर वापस मुड़ता है तो वो पूरी तरह से मिथ्या दृष्टि नहीं बनता है। तो उपशम संकेत से जो उस उपशम संकेत से ये जो सास्वादन सम्यक के बीच की जो होती है उसका मिथ्यात्व की ओर आने के बीच की जो स्थिति होती है उसे हम सास्वादन सम्यक्त्व कहते हैं। और उसके बाद में शायोपशमिक सम्यक्त्व और वेदक सम्यक्त्व से, इसमें क्या होता है शायोपशमिक सम्यक्त्व जीव जब सम्यक्त मोहिनी के पुद्गलों के अंतिम रस का आस्वादन करता है यानी कि, तो उसके बाद में उसको शायिक संकेत प्रकट हो जाता है। और इससे एक समय पहले जीव के जो परिणाम होते हैं वो वेदक सम्यक्त्व होते हैं। ये पांचों ही सम्यक्त्व के जो प्रकार बताए गए हैं, तो उसके शायिक संकेत प्राप्त होने के बाद में ये कभी भी नष्ट नहीं होता है। और इसमें या तो शायिक संकेत आने के बाद में उसी भाव में या फिर तीसरे भाव में वह जीव मोक्ष में जाता है। तो इसीलिए इस शायिक संकेत का भी इस आर्य में अभी पांचवे आर्य में अभाव बताया गया है। उसी तरह से अब आता है जिन कल्पी मुनि, हमारा दसवें नंबर के होते हैं जिन कल्पी मुनि। तो जिन कल्पी मुनि का भी यही होता है कि जिन कल्पी मुनि पांचवे आर्य में नहीं पाए जाते हैं क्योंकि जिन कल्पी मुनि की भी बहुत कठोर साधना होती है। इनका दीक्षा काल बहुत ही लंबा होता है, संयम का काल। कोई भी साधारण मुनि जो है साधु वो जिन कल्प धारण नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्हें दीक्षा लेने के बाद में 12 साल तक किसी को शिष्य बनाकर अपना संपूर्ण ज्ञान देना होता है। और वो जो जिन कल्पी मुनि होते हैं वो आचार्य, उपाध्याय या स्थिवर या प्रवर्तक होते हैं, उनमें से किसी एक पदवी पे होने वाले होने चाहिए। उसके बाद में वो उनको 12 वर्ष तक ज्ञान देके शिष्य को और वो अपना पद उनको सौंप कर और कठोर साधना के लिए चले जाते हैं। कठोर साधना में वे अकेले रहते हैं और उस उनकी जो साधना होती है वह इस तरह से होती है कि जिन कल्पी महात्मा अकेले ही विचरते हैं परंतु वे जिस स्थान पर ठहरते वहां वह किसी दूसरे जिन कल्पी के साथ ही रह सकते हैं। और वो दूसरा जिन कल्पी अगर आए तो एक ही स्थान पर एक से अधिक सात जिन कल्पी मुनि रह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रह सकते हैं। और साथ रहते हुए भी वो एक दूसरे से कभी बात नहीं करते हैं, मौन रखते हैं। उनको अगर लघु शंका और बड़ी शंका आती या कुछ भी आती तो वो ऐसी जगह जाके रखते हैं जहाँ पशु या मनुष्य या कोई भी उन्हें देख नहीं रहा हो, उनकी दृष्टि नहीं हो। और उनको अगर कोई रोग भी होता है, कोई दुख होता है, कहीं भी कोई भी वेदनीय कर्म का उदय होता है तो वो उसका कोई भी उपचार नहीं करते हैं। यदि पांवों में उनके कांटा भी लग जाता है तो वो उनको निकालते नहीं है। आंखों में अगर कंकर भी गिर जाता है, धूल कचरा गिर जाता है तो वो उनको निकालते नहीं और न ही किसी शिष्य को बताते हैं, किसी प्रकार का वो नहीं करते। जिन कल्प की साधना करने वाले महात्मा का शरीर भी व्रज ऋषभ नाराज सहनन जैसा होता है और बहुत कठोर साधना अभी इस युग में कोई भी नहीं कर सकता है। हमारे इस युग में इस प्रकार की साधना का विच्छेद माना गया है। इसीलिए जो जिन कल्पी मुनि की जो साधना है उसका इस पांचवे आर्य में अभाव माना गया है। इस तरह से ये इन 10 चीजों का इस पांचवे आर्य में अभाव है। ये टॉपिक जी बहुत बढ़िया। समनी जी वंदा भी नमः समी। स्टार्ट करें।
बहुत अच्छा किया स्मिता ने रियल में अनुमोदना। पहले किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो ले लो, एक बार आपकी स्लाइड शो सॉरी स्क्रीन शेयर स्क्रीन शेयर को स्टॉप करेंगे स्मिता जी। पहले अपन क्वेश्चन ले लेते हैं। रिकॉर्डिंग स्टॉप करना है। हाँ भारती जी सबसे पहले पूछिए।